नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने आजमबान में विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें कि जिले में राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखने गृहमंत्री अमित शाह 13 नवंबर को आजमगढ़ जाएंगे, जिसके चलते सीएम योगी ने गृहमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। तो आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ दौरे पर रहे और यहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है, अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है, साथ ही साथ तमाम दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इसके साथ ही आजमबाद में विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है, अधिकारियों के साथ बैठकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जिले में राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखने गृहमंत्री अमित शाह 13 नवंबर को आजमगढ़ जाएंगे, जिसके चलते सीएम योगी ने गृहमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का भी जायजा लिया है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर चुकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में मऊ सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को समर्थन देने की घोषणा की। राजभर ने बताया कि विधायक मुख्तार अंसारी से दो दिन पहले उनकी बांदा जेल में मुलाकात हुई थी। उन्होंने अंसारी का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा होने वाले चुनावों में सपा और सुभाषपा गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी को समर्थन दिया जाएगा। राजभर ने कहा है कि मुख्तार अंसारी पर निर्भर करता है कि वो सुभाषपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। तो ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान सामने आया है, पहले मुख्तार अंसारी को मसीहा बताया और अब उनका साफ तौर पर कहना है कि बांदा जेल में मुलाकात के बाद अब वो साफ तौर पर ये समर्थन कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा और सुभाषपा गठबंधन की तरफ से उनको समर्थन दिया जाएगा। इसके साथ ही वो उन पर निर्भर करता है कि वो सुभाषपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। तो सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति बनाई जा रही है, दल बदल की राजनीति भी बखूबी देखी जा सकती है। ऐसे में जिस इलाके में जिसका प्रभाव ज्यादा है उसको अपने पाले में डालने की कोशिश की जा रही है और ऐसा ही ओम प्रकाश राजभर ने किया है, जिन्होंने मुख्तार अंसारी जो कि बांदा जेल में बंद हैं, जेल में जाकर मुलाकात की और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्तार अंसारी आरोपी नहीं है क्योंकि उन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, वो मसीहा हैं, वो दलितों पिछड़ों और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका लगातार समर्थन करते आए हैं, उनके लिए मदद करते आए हैं। सुभाषपा प्रवक्ता दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दयाराम जी, आखिर क्या करना चाहती है आपकी पार्टी? पहले मसीहा बनाते हैं, उसके बाद ऐलान कर देते हैं कि वो या तो गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं या उनकी मर्जी है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को और आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। बार बार आपकी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की मीडिया मोदी मीडिया बार बार मुख्तार अंसारी को ही दिखा रहे हैं। आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया केवल एक ये मुख्तार अंसारी है? हमको बता दीजिए, अगर इस देश में कोई झूठने वाला और बोलने वाला एक नंबर का झूठा है तो देश के प्रधानमंत्री है। दूसरे नंबर का कोई झूठा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वो मैं साबित कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कितने माफिया है अगर वाकई में काजल जी मेरी बात सुने, पहले बीच में ना रोका मैं, पहले सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर वाकई में ईमानदार है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के जितने बदमाश माफिया है उनका एक लिस्ट जारी करिए। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार की जाएगी, क्योंकि माफियाओं का गैंग जो है उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सारे बल्ले पड़े हुए हैं। नहीं तो क्या आवाज उठाइए ना भार्गव साहब, जब आपने गठबंधन किया था तब आपको नहीं पता था? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आपको बताना चाहूंगा, आदरणीय नेता जी ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे, तो आप मैं बताता हूँ 2017 के नवंबर में बांदा जेल में जब मुख्तार अंसारी थे तब मिलने गए थे।
उसके बाद जब पंजाब में सब मिलने गए थे, उसके बाद सीतापुर जेल में सब मिलने गए थे, तभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री विधायक ओम प्रकाश राजभर की, अरे तो वो कब की बात थी ना, आप कब की बात करिए, आप कब की बात करिए, आप कब की बात क्यों कर रहे हैं, आपकी बात करिए ना, आप बताइए जो, अरे भाई मिलने मिलाने का फिल्म तो बराबर रहा है, नहीं तो मिलने नहीं बात है, मुख्तार अंसारी से राजभर का मिलना, नहीं तो ये तो सीधे सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है कि हमें जहाँ का जिसका ज्यादा इलाकों में वर्चस्व नजर आएगा हम उस पर दाव खेलेंगे, चाहे वो कोई माफिया है क्यों ना हो। तो फिर अभय मिश्रा के ऊपर क्यों नहीं चर्चा किया जाता, बृजेश सिंह कौन है, इनके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते, राजा भैया के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते, तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते, आवाज क्यों नहीं उठाते। मैं काजोल जी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता विधायक मंत्री साहब से अगर इस चीज को सुन रहे हो, आप बताइए उत्तर प्रदेश में केवल एक मुख्तार अंसारी है, एक मुख्तार अंसारी बता दीजिए हमें, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्तार अंसारी ही क्यों, मुख्तार अंसारी ही क्यों, क्या आपके पास कोई और चेहरा नहीं है, मुख्तार अंसारी ही क्यों, अरे भारत भर से चलने जाते हैं, जिस पार्टी के विधायक रहे उस पार्टी से तो निष्कासित कर दिए गए हैं, बाबा की पुलिस नहीं रोकती है, नहीं क्योंकि मऊ में उनका सिक्का चलता है, इसलिए किसी से मिलने जाते हैं तो बाबा की पुलिस उनकी कार्रवाई, नहीं गलती तो यही है कि आप सुन नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, गलती यही है कि आप सुन नहीं सकते, काजोल जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनी तो रहा हूँ, मैं नहीं सुन रहा कोई जी। भार्गव साहब आप एक बात ये बताइए कि 2019 में तो गठबंधन आपने किया बीजेपी से, उसके बाद अभी भी खबरें आ रही थी कि आप लोग बीजेपी से बात करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली कि पीठ पर आप छुरा भोंकते हैं, सपा के साथ आप मिल जाते हैं, हमको ये बताइए, नहीं आप मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं आपका ही जवाब देना चाह रहा हूँ, 2019 में हमने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा है, नहीं तो क्यों भरोसा जताया आपने, 13 अप्रैल 2019 को आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने इस्तीफा दे दिया था, और 19 मई 2019 को आदरणीय योगी जी कहते हैं हमारी कैबिनेट के हिस्सा नहीं है, आज कई एक महीना पहले जो कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे देता उसी समय क्यों नहीं इन्होंने किया, ये सब पिछड़े दलित माइनॉरिटियों के वोट लेने का भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी संकल्प मोर्चा गायब हो चुका है, पिछड़ों को कहते हैं गायब हो चुका है, भार्गव साहब अब बच नहीं सकते, देखिए हम आपको काजोल जी बताना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चार से भी चेहरा उजागर हो गया है, ये पिछड़ों का चेहरा तो आपका उजागर हो रहा है, पिछड़ों का विनाश करने के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार रहती है ओम प्रकाश राजभर, क्या कर रहे हैं वो, किसी के नहीं हो रहे हैं, थाली का बैंगन हो गए हैं, नहीं आप बताइए ओम प्रकाश राजभर जी आप बताइए किसके नहीं हुए, हमको बताइए किसके नहीं हुए, आप हमको बताइए किसके नहीं है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता गरीब वंचित समाज की अगर आवाज उठाना विरोधी कहलाता बगावत कहलाता है तो हम स्वीकार करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों की आवाज उठाने वाला अगर इस तरह की बात करता है तो हम स्वीकार करते हैं, बेरोजगारों की आवाज उठाने वाला ऐसी बात हम स्वीकार करते हैं, आप मुसलमानों की तैशी बन रहे हैं, मुख्तार अंसारी का समर्थन कर रहे हैं, ओबीसी से आपने पूछा था, ओबीसी से आपने पूछा था, नहीं पूछा, देखिए ऐसा है हमने आपको बताया, नहीं आप ऐसा ऐसे मत करिए, हम फिर आपको बता रहे हैं वो वैसी भी हमारे पार्टी अभी अपनी पार्टी को नेता है, वो सोचते हैं उनकी मर्जी है, नहीं तो आपके तो दोस्त हो रहे थे ना, वो दोस्ती की आपने, पीछे पीछे बोला, पीठ पीछे बोला कि हम हाँ समर्थन देंगे, फिर पीठ पीछे ही यहाँ पर छुरा घोंप दिया, अरे ये तो छुरा घोंपने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, काम भारतीय जनता पार्टी करती है और झूठ बोलने में माहिर भारतीय जनता पार्टी है, नहीं 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 भार्गव साहब आपसे जब भी बात होती है ना आप भागने की कोशिश करते हैं, ओबीसी के नाम से डर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए काजल जी ओबीसी जी पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ, नहीं 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 भार्गव साहब नहीं 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 हर बार यही होता है आप सवालों से बच जाते हैं, ओबीसी के नाम पर आप कहीं ना कहीं अब चुप हो गए हैं, अब आपकी आवाज नहीं निकल रही है, अब वो मुखर अंदाज नहीं दिख रहा है, नौकरियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग जाती है, कानून नहीं नहीं ठीक है उत्तर प्रदेश में ठीक है भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग जाती है, बताइए इनको,
ठीक है ओबीसी पर आप नहीं बोलेंगे, मैं जितना मर्जी पूछ लूं आप ओबीसी पर नहीं बोलेंगे, ठीक है चलिए ठीक है बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी रंजिश जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, एक दूसरे को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि ये राजनेता क्यों आखिर ऐसी हिमाकत करते हैं कि जो माफिया है, जो डॉन है, उसे अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने हैं उनकी पीठ में चुरा भोंकते हैं। पहले कहते हैं कि हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे गठबंधन करेंगे, लेकिन चले जाते हैं सपा के पास। फिर कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जिस पार्टी के विधायक रहे वो पार्टी की मुखिया कह रही हैं कि हम पार्टी से उन्हें निष्कासित करते हैं, लेकिन ये उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मऊ में सिक्का चलता है। तो ऐसे में ये राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। सही कहा है कि जब राजनीति होती है तो फिर कौन अपना है, कौन पराया है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। प्रतापगढ़ में पटाखों की दुकानों से अवैध वसूली करते पट्टी पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नारंगपुर बाजार में लगी दुकानों पर जाकर एक पट्टी थाने का सिपाही वसूली कर रहा है। वहीं इस वसूली का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल न्यूज वन इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रतापगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुकानदारों से अवैध वसूली का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सिपाही दुकानदार से अवैध वसूली कर रहा है, हालांकि न्यूज वन इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रतापगढ़ की तस्वीरें, सिपाही दुकानदारों के पास पहुंच रहा है, अवैध वसूली कर रहा है, पैसे लेते उसे कैमरे में कैद किसी ने किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। प्रतापगढ़ की तस्वीरें, हालांकि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से सिपाहियों की इस तरह की वसूली करते वीडियो वायरल हो चुकी हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें दो सिपाही नजर आ रहे हैं, जिनसे एक सिपाही जो है वो एक शख्स से पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है और जिसको किसी ने कैमरे में कैद कर लिया है और बड़े आसानी से पैसे ले रहा है ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन शायद जिसने ये वीडियो बनाया उसने बहुत ही चालाकी की है और आराम से ये वीडियो बना लिया, सिपाही को पता भी नहीं चला और वीडियो वायरल कर दिया है। अब ये वीडियो हर किसी के पास पहुंच चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रतापगढ़ की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। दुकानदारों से अवैध वसूली की तस्वीरें इन दिनों वायरल हो रही हैं। बाइक पर सवार ये सिपाही दुकानदारों से उगाही कर रहा है, अवैध वसूली कर रहा है, चुपके से पैसे ले रहा है, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता कि कोई शख्स यहाँ खड़ा है जो उसकी करतूतों को कैमरे में कैद कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए देवानंद मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवानंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है प्रतापगढ़ से? प्रतापगढ़ में इस समय पुलिस की वसूली चरम सीमा पर है, जगह जगह थानेदार और सिपाही एकदम चर्चा हो गई है कि ये जो दीपावली आई थी इस पर लंबी वसूली कर रहे थे। जो पट्टी कोतवाली क्षेत्र में सौरव और नीरज नाम के दो सिपाही हैं जिनका किसी ने वीडियो बना लिया पटाखे के दुकानदार से पैसा लेते हुए, यह तो एक छोटा सा उदाहरण, लेकिन इसके बाद देखिए वीडियो वायरल हो चुका है, अब इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई? एसपी ने केवल इन दोनों सिपाहियों को सस्पेंड किया है, जबकि इन दोनों सिपाहियों पर अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है, ना ही इनको जेल भेजा गया है, केवल सस्पेंड करके विभागीय जांच की औपचारिकता पूरी कर दी गई है। जी ठीक है, इन पर आरोप लग रहा है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया देवानंद कि ये एक ही वीडियो नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं, तो इस घटना में सच्चाई कितनी? इस घटना में 100% सच्चाई है और यह सिपाहियों का दुर्भाग्य है और जनता का सौभाग्य है कि किसी ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। नहीं, प्रतापगढ़ की पुलिस पूरी तरीके से वसूली में पस्त है, पुलिस से लेकर के जो थाने के थानेदार हैं, तो आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? आला अधिकारी के मामला अवैध उगाही कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, तो आला अधिकारी के कानों तक ये खबर नहीं गई?
आला अधिकारी जब मीडिया में बात हाईलाइट होती है केवल सस्पेंड करके या लाइन हाजिर करके विभागीय जांच की औपचारिकता पूरा करते हैं, अब विभागीय जांच बैठाए हैं, एक महीना 15 दिन में फिर से इनको बहाल कर दिया जाएगा। जब तक कि आला अधिकारी थानेदार और पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, मुकदमा नहीं लिखाते हैं, जेल नहीं भेजते हैं, इसी तरीके की वसूली होना लाजमी ही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो प्रतापगढ़ का ये वीडियो तेजी के साथ इन दिनों वायरल हो रहा है, सिपाही दुकानदारों से वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये इक्का दुक्का मामले नहीं, करीब 10-15 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। लेकिन यही होता है कि फिलहाल के लिए तो इस पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। वहीं बरेली में टेंट के गोदाम में भीषण आग लगने से एक महिला की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग से गोदाम में रखा सिलेंडर भी फट गया। इस दौरान मौके पर आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड की 3 कर्मचारी भी आग में झुलस गए, जिसके बाद तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली का यह पूरा मामला जहां पर टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई, हादसे में एक महिला की जलकर मौत हो गई है। जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी वहां पहुंचे थे वो भी झुलस गए हैं। बेगूसराय में दीपावली की रात जुआ खेलने के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद इस विवाद में फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 युवकों की जान चली गई, साथ ही 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बेगूसराय का यह पूरा मामला जहां पर जुआ खेलने के दौरान विवाद हो गया, फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई है। करते थे ठेकेदारी, वो कुछ कर लेते थे छोटा मोटा, अपना बिजनेस कुछ करने थे बिजनेस में अपना। हम खेत में थे, रास्ता में सवेरे में हमरा मिला है, रात में कैसे गया क्या, दुकानदारी से निकला घर तक नहीं पहुंचा। सुबह 4:30 बजे के बाद में बाघी में 2 डेड बॉडी मिला है, जिसके संबंध में अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान प्रांत बात की जाएगी। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर धुंध के चलते कुछ वाहन आपस में टकरा गए। बता दें कि धुंध की वजह से तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया। गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है, धुंध के चलते गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा में नौजील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई, साथ ही कार सवार में एक महिला और 3 व्यक्ति की भी मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा का एक पूरा मामला है जहां पर बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में कार सवार 4 लोगों की जान चली गई। मेरठ में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। वहीं हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलने ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ का यह पूरा मामला जहां पर पेड़ से अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार टकरा गई, हादसे में कार सवार एक की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में दीपावली की रात में चोरों ने जमकर तांडव मचाया है, जहां सूरजपुर कस्बे के एक मोबाइल शोरूम में कुछ चोरों ने शोरूम का ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी कर लिए। वहीं जो मामले की जानकारी पीड़ित को हुई तो उसने मामले में पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें, दिवाली की रात चोरों का तांडव देखने के लिए मिला, मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। रात को दुकान में पढ़ा चुके हैं, वो बंद करके किस टाइम गए थे? वही 11 बजे से। जी, सुबह 4-5 बजे करीब कॉल आई है मेरे दुकान के नीचे, जो जिम है उसकी, जिम वाले की, जी तो तुम्हारा शटर का ताला टूटा हुआ है, आ जाओ। मैं आया तो यहाँ देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मेरा 1 से 1.5 करोड़ का माल था। दिवाली के टाइम तो हम इतना माल रखते ही हमेशा, पूरा माल लेकर सब साफ कर गए।
ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते हादसे हो गए, जहां दनकौर थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी होने की वजह से ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन लोग मामूली रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। तो कोहरे के चलते सड़क हादसे सुबह से ही हो रहे हैं। ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पीलीभीत में दो पक्षों में हुए विवाद में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वहीं इस झगड़े के बाद दोनों पक्ष में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। इस मारपीट में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी में एक पिता ने अपनी ही बेटी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी पिता ने अपनी ही बेटी की मौत की कहानी रच दी। आरोपी ने बताया कि उसकी बेटी ने बताया कि उसकी बेटी बाइक से जा रही थी, वहीं इसी बीच वो बाइक से गिर गई और उसकी मौत हो गई। वहीं जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि पिता ने ही अपनी बेटी पर रुपये की चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। तो अमेठी का ही पूरा मामला है, जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी की पीट पीट कर हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाल इंडिया के साथ।